जनवरी 2013 की सुबह एक बहुत बड़ा सानहा रूनुमा हुआ। उस दिन साइबर क्राइम की दुनिया हकीकत से टकरा गई। सुबह की सर्द गिरफ्त में बैंकॉक के स्वर्णा भूमि नामी हवाई अड्डे पर एक शख्सियत की गिरफ्तारी का इंकशाफ हुआ। उसके हाथों को हथकड़ी लगी हुई थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए जा रहा था। उसका नाम हमजा बिन डिलाज था, जिसकी तलाश एक अरसे से पूरी दुनिया को थी, लेकिन वो किसी के हाथ ना लग रहा था। आखिर हमजा बिन डिलाज कौन था और क्यों पूरी दुनिया को उसकी तलाश थी, इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। स्पाई आई एक ऐसा कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर गूगल क्रोम, ओपरा, फायरफॉक्स और इस तरह के सॉफ्टवेयर चलाने वाले यूजर्स पर अटैक करता है। ये फॉरम ग्रैबिंग और स्ट्रोक लॉगिंग जैसे नुकसानदेह तरीकों से इंटरनेट यूजर्स की इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है और इस तरह उनके बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करके सारा पैसा एक सेकंड में ले उठता है। इस वायरस ने अमेरिका, बर्तानिया, मेक्सिको, कनाडा और इंडिया को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि अमेरिका में 97% इदारे इस वायरस का शिकार हो गए और मिलियन डॉलर्स का नुकसान कर बैठे। इस वायरस का इन्वेंटर हमजा बिन डिलाज था और उसने इसे खुद डिवेलप किया था। 1988 में पैदा होने वाला हमजा बिन डिलाज, जो कि एक अल्जीरियन शहरी था, असल में साइबर क्रिमिनल है, जिसका कोड नेम BX1 कार्डर है और गिरफ्तारी के बाद इसे स्माइलिंग हैकर का लकब दिया गया। उस पर करोड़ों डॉलर्स चोरी करने का इल्जाम आयद है। पेशे के एतबार से ये एक प्रोफेशनल हैकर है, इंटरपोल और FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट ऑफ हैकर्स के टॉप नंबर 1 पर विराजमान था और इसी वजह से इसकी 5 साल से तलाश जारी थी। उसने स्पाई आई कंप्यूटर वायरस के जरिए अमेरिका और यूरोप के तकरीबन 200 से जायद मालियाती इदारों, जिनमें ज्यादातर बैंक्स आते हैं, उनको नुकसान पहुंचाया और सारा पैसा एक सेकंड में ले उड़ा। इस काम में उसका एक रशियन साथी भी इन्वॉल्व था, जो खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर था। ये दोनों मिलकर लाखों डॉलर्स एक सेकंड में इस वायरस के जरिए चुरा लेते थे। लेकिन आखिर इस पैसे का करते क्या थे? यहाँ पर आपको होश उड़ाने वाला इंकशाफ करते हैं कि हमजा बिन डिलाज सारा पैसा अपने जाती तौर तरीके और जिंदगी की आसाइशों को हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उसने ये सारा पैसा फलस्तीन में मुकीम मुसलमानों के लिए काम करने वाली NGOs को डोनेट किया था और इसी वजह से लोग उसे रॉबिन हुड का नाम भी देते थे। इसके अलावा अफ्रीका की भी बहुत सी NGOs को पैसा डोनेट करता था। वो अपने इस काम के बदौलत बहुत से लोगों का हीरो था। जहां पूरी दुनिया उसे क्रिमिनल कहती थी, वहीं एक नुमाया तादाद उसे रॉबिन हुड और हीरो भी कहती है। अमेरिका ने हमजा बिन डिलाज को स्पाई आई वायरस की एक कॉपी खुफिया पुलिस ऑफिसर को बेचते हुए ट्रैक किया था और बिल आकर थाईलैंड पुलिस ने इजिप्ट जाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसने अपनी गिरफ्तारी के दौरान जरा सी भी मुजाहमत ना की। हमजा के साथ उस वक्त उसकी बीवी और बच्चे मौजूद थे, जिसको उसने अलविदा कहा और खुद को गिरफ्तारी के लिए हंसते हुए पेश कर दिया। थाईलैंड पुलिस के मुताबिक हमजा बिन डिलाज FBI की मतलूब तरीन शख्सियत था। हमजा बिन डिलाज को अमरीकी अदालत ने 25 जून 2013 में 15 साल की उम्र कैद सजा सुनाई और इस वक्त वो अमरीका की रियासत जॉर्जिया के कैद खाने में अपनी सजा काट रहा है। जुर्माने के तौर पर हमजा बिन डिलाज को $14 मिलियन भी अमेरिका को देने होंगे। 2015 में एक वेबसाइट ने गलत मालूमात अपलोड की, जिसमें लिखा था कि हमजा बिन डिलाज को अमरीका में सजाए मौत दे दी गई है। ये खबर आने के बाद सोशल मीडिया सार्फीन की एक बड़ी तादाद ने हमजा बिन डिलाज की सपोर्ट की और उसकी हमायत में एक पटीशन भी दर्ज की, जिसमें अल्जेरियन वजीर खारजा और अमरीकी प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से इस मामले पर नजरसानी करने को कहा गया। ये मामला तब जाकर नॉर्मल हुआ जब अल्जेरियन वजीर खारजा ने ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि कंप्यूटर क्राइम्स कैपिटल जुराइम नहीं है और ना ही ये जुराइम सजाए मौत के काबिल है। हमजा बिन डिलाज के सपोर्टर्स आज भी उसकी हमायत में प्रोटेस्ट करते हुए मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं। यहां तक कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया और एयर फ्रांस जैसी वेबसाइट्स को भी हैक करके हमजा बिन डिलाज की रिहाई की डिमांड की गई। फ्री पैलेस्टाइन और फ्री हमजा बिन डिलाज के हैशटैग्स का इस्तेमाल करके टॉप ट्रेंड्स भी बने। हमजा बिन डिलाज के कारनामों में से एक कारनामा बहुत बड़ा था, वो ये था कि अल्जेरियंस नौजवानों को वीजा देने के लिए वो यूरोपियन वजारत खारजा की वेबसाइट्स को हैक कर लिया करता था और यूं अल्जेरियंस नौजवानों को यूरोप जाने के वीजे दिया करता था। हमजा बिन डिलाज ने इसराइली हुकूमत की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक करके उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को भी लीक किया था। जहां यूरोप और अमेरिका में हमजा बिन डिलाज को विलन के तौर पर जाना जाता है, वहां मुस्लिम ममालिक में उसे हीरो के तौर पर लोग याद करते हैं।
खैर रिहाई के बाद हमजा बिन दिलाज हैकिंग के काम से तौबा कर लेंगे या अपने कारनामों को यूं ही जारी रखेंगे, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन आपके लिए हमजा बिन दिलाज एक विलन है या हीरो, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में करें और हमें अपनी राय से आगाह करें। इस तरह ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। हमारी रिसर्च अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।